मतदारांना जागृत करून मतदानाची टक्केवारी वाढवण्यासाठी राज्यात माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या रिजनल आउटरीच ब्युरोद्वारे महामतदार जनजागृती अभियानाचं आयोजन करण्यात आलं असल्याची माहिती नवी दिल्लीचे ब्युरो ऑफ आउटरीच कम्युनिकेशनचे महासंचालक सत्येंद्र प्रकाश यांनी दिली आहे. पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयात मतदार जनजागृती मोहिमेअंतर्गत फिरते चित्रवाहन सांस्कृतिक कार्यक्रमाच्या शुभारंभ प्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम, पत्र सूचना कार्यालय आणि रिजनल आउटरीच ब्युरोचे अतिरिक्त महासंचालक डी नारायण, उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी मोनिका सिंग आदी मान्यवर उपस्थित होते. पुणे जिल्ह्यात स्वीप उपक्रमांतर्गत मतदान जनजागृती काम नियोजनबद्ध पद्धतीने चालू असून यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत 70%हून अधिक मतदान व्हावे यासाठी विविध माध्यमांचा वापर केला जात आहे असं सांगून रिजनल आउटरीच ब्युरोद्वारे हाती घेण्यात आलेल्या मोहिमेद्वारे मतदानाची टक्केवारी वाढवण्यास नक्कीच मदत होईल असा विश्वास सत्येंद्र प्रकाश यांनी व्यक्त केला आहे. सूचना प्रसारण मंत्रालय भारत सरकारद्वारा एक जनहित में जारी किया गया कार्यक्रम है जिसमें हम मतदाताओं को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं एक वाहन के जरिए जिसमें हमारे गीत नाटक प्रभाग के कलाकार रहेंगे और कुछ जो स्लोगन हमने डाले हुए हैं कि आपका मतदान क्यों इम्पोर्टेंट है, प्रजातंत्र लोकतंत्र के पर्व में आप मतदान करेंगे तो उससे देश में एक सशक्त सरकार बनेगी और आप अपने लिए अपने पसंद के अपने योग्य प्रतिनिधि को चुन के भेजेंगे और इसलिए ये सिर्फ एक रिचुअल नहीं है, एक औपचारिकता नहीं है. मतदान का अधिकार प्रयोग करना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही आवश्यक है और साथ में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके हित में.